हे दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सवाल जवाब में। दोस्तों, आज मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि Google द्वारा बनाया गया है। और आप जानते हो दोस्तों, Google कितना फेमस है और ट्रस्टेड है। तो आज मैं बताने वाला हूं Google के एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको जॉब सर्च करके देगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, आप अपने किसी भी एरिया में, आप किसी भी सिटी में जॉब फाइंड कर सकते हो, वो भी गूगल की ऐप द्वारा, वो बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम प्ले स्टोर की ओर। यहाँ पर स्क्रीन में आपको प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप प्ले स्टोर ओपन कर लोगे तो यहाँ पर ऊपर सर्च बॉक्स दिखाई देगा जहाँ से हम सर्च करेंगे हमारे ऐप को। तो यहाँ पे मैं सर्च में क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोरमो लिखा, ये गूगल जॉब की तरफ से, गूगल की तरफ से बनाया गया एप्लीकेशन है। दोस्तों, गूगल ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिससे आप आसानी से जॉब सर्च कर सकते हो किसी भी सिटी में। तो यहाँ पे कोरमो, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो ये लोगो इसका, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोरमो जॉब बाय गूगल, फाइंड जॉब एंड ग्रो योर कैरियर। दोस्तों, ये एप्लीकेशन गूगल द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाई देंगे। दोस्तों, 8000 रिव्यू है इसके और 3.3 की रेटिंग है। तो ये एप्लीकेशन नया है, फिर भी इसमें 8000 रिव्यू है और जो रेटिंग है वो औसत है, एवरेज है, यानी कि 3.3 है। इससे ज़्यादा 5 होता है और 1 से 5, तो 3.3 जो है एवरेज रेटिंग है। लेकिन गूगल की तरफ इस पर और काम किया जा रहा है और बहुत ही काम आने वाला एप्लीकेशन है। अगला बात करते हैं हम इसके साइज के बारे में। तो इसका साइज है दोस्तों 6.6 MB। ये 6.6 MB साइज का है, तो बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन बनाया हुआ है। उसके बाद में आगे रेट और आगे हम जाएंगे डाउनलोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिलियन डाउनलोड है इसके। दोस्तों, 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड इसके अभी तक हो गए हैं। नया एप्लीकेशन है, आप पहली बार सुन रहे होंगे तो प्लीज़ इसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, एक बार समझ लीजिए, ये आपके हो सकता है बहुत काम आ जाए और आप इससे जॉब सर्च कर पाओ। तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा है, दोस्तों यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद में यहीं पर और कुछ डिटेल बता दूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारे पास मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ नीचे स्वाइप करेंगे तो हमें इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इनकी जो बेसिक क्या क्या जानकारी वो यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं लाइव आपको बताऊँगा ये डाउनलोड होने के बाद में कैसे इस पर लाइव आप वो कर सकते हो, इसमें जॉब सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ये पहला वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्रेश जॉब फ्रॉम वेरीफाइड एम्प्लॉयर। मतलब दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड है वो कंप्लीट होने से इंस्टॉल शुरू हो गया है। वापस मैं जाऊँगा वहाँ पे और पूरा डिटेल से समझा दूँगा, उसके बाद में हम इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ और वापस हम जाते हैं वहीं पर प्ले स्टोर में। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था फ्रेश जॉब फ्रॉम वेरीफाइड एम्प्लॉयर। मतलब दोस्तों, ये गूगल पहले उन एम्प्लॉयर को वेरीफाई करता है कि जेन्युइन आप जॉब दे रहे हो या फिर फेक है। तो फेक एम्प्लॉयर जो रहती कंपनियां, उनको तो गूगल इसमें ऐड करेगा ही नहीं, जो ट्रस्टेड है और गूगल द्वारा वेरीफाई रहेगी उसी को इसमें ऐड करेगा। तो दोस्तों, यहां से जॉब आप सर्च कर रहे तो उसमें श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरीफाइड कंपनी को ही यहां पे जॉब के लिए मिलेगा यहां पे। तो आप यहां से जॉब फाइंड करते हो तो यहां पे कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि यहां पे कोई ख़राब या फिर क्या बोलना चाहिए कि कुछ अनट्रस्टेड मिल जाए कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वेरीफाइड है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद में आगे मैं बता देता हूँ अगले में रियल टाइम ट्रैकिंग एंड फास्ट अपडेट ऑन जॉब एप्लीकेशन। दोस्तों, ये लाइव चलेगा आपके पास भी और जिसने जॉब डाली है जो कंपनी वाले हैं उसके पास भी। तो रिस्पॉन्स रियल टाइम चलेगा, यदि आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो वहाँ पर उनको उसी टाइम एट अ टाइम दिख जाएगा और वो उनके ऊपर है कि वो कब रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन जो ऐप है वो रियल टाइम चलेगी, तो बहुत ही शानदार है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इजी इंटरव्यू शेड्यूलिंग डायरेक्ट थ्रू दिस ऐप। यहाँ पे दोस्तों, जो इंटरव्यू है वो भी इसी ऐप के द्वारा शेड्यूल हो जाएगा और इंटरव्यू भी इसी से हो जाएगा।
या तो फिर आपका जो जहाँ जाना होगा तो वो डिसाइड यही हो जाएगा कि कितने बजे आपका इंटरव्यू है, तो आप इसी ऐप पे देख सकते हो कौन सी तारीख को कहाँ पे और कितने बजे इंटरव्यू है, या पूरी डिटेल इसी ऐप से आपको मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ्री डिजिटल रिज्यूम यू कैन डाउनलोड एज ए CV, मतलब यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो डिजिटल CV को, और यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल या फिर आपका CV है या आपका रिज्यूम है उसे अपलोड भी कर सकते हो इसी ऐप में। इसके बाद आगे देखेंगे न्यू स्किल कंटेंट टू हेल्प योर लर्न एंड अर्न मोर, मतलब दोस्तों इसके साथ में इस एप्लीकेशन में जॉब के साथ ही आप सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, आप यहीं से भी कुछ ज्ञान अपना बढ़ा सकते हो, सीख सकते हो। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट मैंने पूरे बता दिए, ये गूगल यहाँ पे ये डले हुए हैं ऐप पे। तो दोस्तों एक और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको रेटिंग देखनी होती है, कोई से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे तो उसका रेटिंग कितनी है, रिव्यू कितने और डाउनलोड कितने, ये ध्यान देना चाहिए कभी भी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो तो। इसके बाद में अब दोस्तों हम आ जाते हैं होम पे, और यहाँ पे चले जाते हैं, हमारे पास ये आ गया है ऐप, ये कोरमो ऐप हमारे पास डाउनलोड हो गया है, अब हमें इसे ओपन करना है। और यहाँ पे आगे पूरी प्रोसेस में लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कोरमो ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे स्टार्टअप जो शुरू का विंडो है वो ओपन होता है हमारे पास। यहाँ पे देखिए दोस्तों अप्लाई फॉर जॉब एंड शेड्यूल इंटरव्यू इन प्लेस, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा, आपको जॉब के लिए अप्लाई भी कर लोगे, इंटरव्यू के लिए भी शेड्यूल यहीं से हो जाएगा। अगला जो विंडो में दिया है वेरीफाइड जॉब ओपनिंग फ्रॉम ट्रस्टेड एम्प्लॉयर, मतलब यहाँ पे जो कंपनी रहेगी वो ट्रस्टेड रहेगी, वेरीफाई होने के बाद ही इस पे लिस्टेड होगी, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद आगे जाते फास्ट अपडेट ऑन ऑल योर जॉब्स एप्लीकेशन, मतलब वो जो अपडेट होगा वो रियल टाइम होगा, तो बहुत ही रिस्पॉन्स जल्दी मिलने वाला है आपको यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पे इंग्लिश दिखाई दे रहा, यदि आप इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ जाएगी जिस लैंग्वेज को ये ऐप सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोनेशियन, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, सभी और भी पंजाबी वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में जाना हो तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करिए, मैं अभी इसी पे इंग्लिश में ही आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे आपको ईमेल आईडी डालना है, लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ गई है दोस्तों, यदि आपकी प्ले स्टोर या फिर आपके मोबाइल में जीमेल लॉगिन है तो यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है गूगल के सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही जीमेल आईडी से ही अप्लाई मतलब वो लॉगिन होता है, तो किसी भी गूगल के प्रोडक्ट में लॉगिन होना है तो आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड से ही हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में पहले से मैं प्ले स्टोर में लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे आ गया हमारा सवाल जवाब, देख सकते हो आप। यहाँ पे कंटिन्यूस सवाल जवाब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें किस टाइप की जॉब की ज़रूरत है वो कैटेगरी सिलेक्ट करना है दोस्तों, डिज़ाइन में, कुकिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैनेजमेंट, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर IT जो आखिरी में है, इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है। आप जिस फील्ड से भी हो उस फील्ड में क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं कंप्यूटर IT सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर IT के लिए जॉब चाहिए। दोस्तों आप जिस भी जॉब को चाहते हो उस फील्ड को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कंप्यूटर IT सपोर्ट ले लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद में मुझे इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिटिक्स पे भी चाहिए, तो यहाँ पे दो क्लिक कर लिया मैंने। इस तरह से दोस्तों आप जितनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इन दो कैटेगरियों के साथ में यहाँ पे कंटिन्यू बटन करता हूँ, देख सकते हो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में ये लोकेशन पूछेगा। अब दोस्तों आपने पहले विंडो में जॉब का टाइप सिलेक्ट कर लिया कि किस टाइप के जॉब चाहिए, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन से उसमें चाहिए आपको, कौन सी सिटी में, कौन से लोकेशन पे जॉब चाहिए, तो यहाँ पे ये जो सिटी दी हुई है इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा करंट लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके करंट लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगा और वहाँ की जॉब बताएगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मुंबई, देख सकते हैं आप यहाँ पे मुंबई है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने मुंबई सिलेक्ट किया। अब हमारे पास गेट ए जॉब फाइंड वर्कर दिस मैच योर इंटरेस्टेड, यहाँ पे ऊपर ओके दिखाई दे रहा है, इस पर ओके कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो है एड कंटेंट इन्फो, दोस्तों आपको पहले यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो डालनी होती है। यहाँ पे क्या क्या डालना मैं बता देता हूँ। आप पहले आपका कंटेक्ट इन्फो डालोगे,
आपका एजुकेशन डालोगे और आपका एक्सपीरियंस डालोगे, कितना एक्सपीरियंस है, ये तीन चीज़ें आपको डालनी होती है। इसी के आधार पे आपको यहाँ पे जॉब ऑफर भी हो सकते हैं। और यदि आपका प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो कंपनी रहेगी वो डिटेल देखेगी इन्हीं के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर एड कॉन्टेक्ट इन्फो पे मैं क्लिक करता हूँ। एड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो डालनी होती है। हमने रेफरेंस वर्क लोकेशन मुंबई सेलेक्ट किया है, कॉन्टेक्ट नंबर, होम लोकेशन ये डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी मैं ऐसे ही समझाने के लिए डाल देता हूँ। ये मैंने लोकेशन सिलेक्ट किया। इसके बाद में कॉन्टेक्ट इन्फो में आपको कुछ भी डालना है। ये मैंने मोबाइल नंबर डेमो के लिए कंपनी का डाल दिया है और लोकेशन भी समझाने के लिए डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा सेव बटन, सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सेव इस तरह से सेव कर लेना है। तो ये हमारी जो डिटेल वो ऐड हो गई है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, आप देख सकते हो, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एजुकेशन पर क्लिक करते हैं। एजुकेशन दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन डालना है, आपका स्कूल का नाम ABC डाल देता हूँ। एजुकेशन लेवल आप देख सकते हो, आपका डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट हो, या फिर हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल या बैचलर, मास्टर, जो भी आपके पास वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मास्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा मास्टर किस फील्ड में है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको दोस्तों आपका एजुकेशन डालना है जो भी आपका हो, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ IT लिख लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी रियल है आपका वही डालना है। अब स्टार्ट डेट वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ भी आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे समझाने के हिसाब से डाल रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरी डिटेल सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने तो हमारा एजुकेशन वाला फील्ड भी कम्प्लीट हो गया। इसके बाद बचा सिर्फ एक एक्सपीरियंस का, इसे ऐड करते हैं। हमारे पास अभी क्या पोजिशन है तो मैं डाल देता हूँ MA, और इसमें भी कुछ डाल सकते हैं, IT वर्क, जो भी डालना हो दोस्तों इस तरह से आप डाल सकते हो, आपकी डिटेल डालना होता है। इसके बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो, ये सेव हो गया। अब ऊपर का ये जो हमारा था प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ जॉब जो हमने डाली वो दिखाई देगी। यहाँ पे ऑल जॉब दिखाई देगी, इसके बाद रिसर्च एनालिटिक्स और कंप्यूटर, ये रिसर्च एंड एनालिसिस हो गया। इसके बाद में दूसरा हमारे पास कंप्यूटर एंड IT सपोर्ट हो गया। दोस्तों शुरू में मैंने बताया था आपको, हमने दो चीज़ें सिलेक्ट की थी, दो कैटेगरी, तो ये दोनों कैटेगरी अलग है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट मिलेगी। आल पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये सभी पोस्ट दिखाई देगी आपको, जिस की ऑफर की हुई पूरी। इसके बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस पे क्लिक करते हैं तो हमने इस कैटेगरी की जो जॉब है वो दिखाई देगी। ऑपरेशन मैनेजर आपको ब्रिंग में मिल जाएगा, ब्रिंग इंटेग्रेटेड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे आप इसके नीचे आप देख सकते हो 80,000 से 1,00,000 पर मंथ आपको प्लस कमीशन मिलेगा इसमें, ये मैनेजर की पोस्ट है। इस पर क्लिक करते हैं और कुछ डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इसके दिखाई देगा, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ देख सकते हो दोस्तों, ये वेरीफाइड है तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है इस जॉब के बारे में। तो यहाँ पे मैं अप्लाई बिफोर September 06, ये रिमोट इंटरव्यू दिखा दे रहा है दोस्तों। इसके बाद ऑपरेशन मैनेजर, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन वगैरह सब पूरी यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों ये हो गया जॉब, यहाँ पे इस तरह से आप जॉब देख सकते हो। ये ऊपर योर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। हमारा जो प्रोफाइल क्लिक करने के बाद में इस तरह से प्रोफाइल दिखाई देगा। हमने जो डाला है वर्क एक्सपीरियंस में MA डाला है, एजुकेशन में इटालियन स्टडीज डाली है, इस तरह से लैंग्वेज वगैरह, और ये इंटरेस्टेड कैटेगरी जो है हमारी वो दिखाई दे रही। अब यहाँ से दोस्तों प्रोफाइल को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ ऐड दिखाई दे रहा है वर्क एक्सपीरियंस में, यहाँ से आप वर्क एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करना है, चेंज करना है। इसके बाद योर इंटरेस्टेड टॉपिक जो हमने कैटेगरी थी उसे एडिट करना, तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से कैटेगरी दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ एक और कैटेगरी की, यहाँ पे तीन कैटेगरी हो गई है। लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों अपना जो प्रोफाइल वो ऊपर यहाँ एडिट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे
जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने आपको बता दे इस ऐप के बारे में, कैसे करना है इसको, कैसे देखना है और जॉब आपको कैसे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हो इस तरह से बहुत सारी जॉब दिखाई देगी, ये जो ऑल जॉब है। इसके बाद में यहाँ पे आप इधर देखोगे तो यहाँ पे दूसरी रिसर्च एंड एनालिसिस की जॉब मिलेगी। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर आईटी एडमिनिस्ट्रेटिव ये सभी जॉब मिलेगी। यहाँ पे मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये तो मैंने पूरा एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है, लेकिन आपको जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है और वो कहाँ दिखाई देगी वो बता देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर जॉब सबसे पहले है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस जॉब पर अप्लाई करेंगे हम। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे दोस्तों इस जॉब की ये जो डिटेल आप देख सकते हो, ये पूरी डिटेल दी हुई है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम अप्लाई। दोस्तों यहाँ पे अप्लाई दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इस जॉब के लिए हम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो गया है, कंग्रेचुलेशन आ गया है। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक स्टेप बचती है, ये हर बार नहीं पूछेगा, ये इसलिए पूछ रहा क्योंकि हमने रिज्यूम यहाँ पे सबमिट नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे ब्राउज बटन पे जाके आपके मोबाइल के अंदर रिज्यूम है तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके इसे अपलोड कर सकते हो या फिर ऊपर स्किप कर सकते हो। दोस्तों ये विंडो इसीलिए आ रही क्योंकि हमने रिज्यूम नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं मैनुअल इनपुट करना है, ब्राउज करना है या फिर स्किप करना है, ये दो तीन ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। यहाँ ऊपर जाके स्किप कर देते हैं, हमने स्किप कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये आपके प्रोफाइल में ये जॉब अप्लाई की वो आपको दिखने लग जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर ये जॉब आ गई है, आपने अप्लाई किया हुआ है इस पर, तो यहाँ यहीं से आपको इसमें रिस्पॉन्स भी यहीं से मिल जाएगा इसी जॉब में। तो दोस्तों ये वेरीफाइड है और आपने इस पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको यदि इस जॉब से बाहर निकलना, आपने गलती से अप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉल ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ऑप्शन करेंगे हमें एक मैसेज दिखाई देगा कि आप इस जॉब से बाहर निकलना चाहते हो और ये आपकी जो लिस्ट है इंटरेस्टेड उससे भी हट जाएगा, तो इसे हाइड कर देंगे। इस तरह से आप अपनी जो अप्लाई किया है उस जॉब से रिमूव हो सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी प्रोसेस इस एप्लीकेशन के बारे में। आप चैनल पे नए हो तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और ऐसे ही प्यार मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।